उसे हॉटस्पॉट बनने के चांसेस होते हैं, मतलब आलू पे बहुत ज्यादा हीट चली जाएगी, कहीं कहीं कम जाएगी, तो ये प्रॉब्लम है। Hey guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ जटाएं खोल के जो आपका वेलकम कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आइकॉनिक प्रो हेयर स्ट्रेटनर का। और इसका रिव्यू करने के साथ साथ मैं आपके साथ इसका डेमो भी शेयर करने वाली हूँ। एंड थर्ड पॉइंट मैं इसमें क्लियर करने वाली हूँ कि आपको टाइटेनियम प्लेट्स वाला स्ट्रेटनर यूज़ करना चाहिए या फिर आपको सेरेमिक प्लेट वाला या फिर आपको टर्मोलिन प्लेट वाला, किस तरह का हेयर स्ट्रेटनर आपको यूज़ करना चाहिए जो कि आपके बालों को सेफ रखे, आपके बालों को डैमेज ना करे। और साथ ही साथ मैं इसका वियर टेस्ट भी आपको दिखाने वाली हूँ कि हेयर स्ट्रेट करने के बाद कितनी देर तक ये मेरे बालों में लास्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी वीडियो में हम देखेंगे। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने जो हेयर स्ट्रेटनर परचेज किया है ये है आइकॉनिक का प्रो स्ट्रेटनर। आइकॉनिक में आपको बहुत सारे रेंज मिल जाएगी, अलग अलग हेयर्स के हिसाब से स्ट्रेटनर आइकॉनिक में आपको मिल जाएंगे। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बॉक्स में मुझे क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी पैकेजिंग से। तो पैकेजिंग कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आती है, बहुत स्टर्डी सा कार्डबोर्ड बॉक्स है, आप इसे वापस में इसी में रख सकते हो यूज़ करने के बाद। तो इस तरह का बॉक्स है ये, यहाँ पर इसकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये ऑथेंटिक है या नहीं तो ये QR कोड जो है ना इसको गूगल पे आप स्कैन करके देख सकते हो, ये इनकी वेबसाइट पे जाके खुल जाएगा अगर ओरिजिनल है तो, ठीक है। तो अंदर से कुछ इस तरह के ये आपको मिल जाएगा, मैनुअल वगैरह, यहाँ पे आइकॉनिक के जो जो भी एक्सेसरीज आती है वो सब मिल जाएगा। ये वारंटी कार्ड है, यहाँ पे स्कैन करना तो आपको वारंटी कार्ड जो है आपके ईमेल पर या नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। और ये है अंदर से स्ट्रेटनर, और ये देखो इसकी कॉर्ड भी काफ़ी अच्छी खासी लंबी है, आराम से ये 2-2.5 मीटर की तो है ये। और ये जो टैग लगा है ना ये डेंजर का, ये नहीं निकालना है, ये बच्चों के लिए लगा हुआ है ताकि बच्चे हाथ ना लगाएं इससे, ठीक है, ये मत निकालना। इसका कॉर्ड जो है वो 360 डिग्री में रोटेट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और ये तरह की इस तरह की कुछ प्लेट्स आती हैं, और ये है ना ये है आपके हीट प्रोटेक्टर, हीट गार्ड कह सकते हो, आपके थंब को हीट से प्रोटेक्ट करता है जब आप स्ट्रेटनिंग करते हो। और इसकी जो प्लेट्स हैं वो हैं टर्मोलाइन प्लेट्स, इसमें सेरेमिक कोटिंग भी है और टर्मोलाइन की नैनो टेक्नोलॉजी भी है इसमें। इसका कॉर्ड आप देख सकते हो किस तरह से बहुत अच्छे से 360 डिग्री रोटेट हो जाता है तो आपको स्ट्रेटनिंग करते वक्त बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे का ये जो पोर्शन है ना ये थोड़ा हीट हो जाता है तो आगे से आप ना पकड़ें। ये है हीट प्रोटेक्टर गार्ड, ये आपके थंब में देखो इस तरह से आप यहाँ से लगा सकते हो, निकाल भी सकते हो। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस तरह का ये बटन प्रेस करने के बाद आप इसको इस तरह से लॉक कर सकते हो, है ना। तो ये और स्ट्रेटनर्स में नहीं आता है, ये सिर्फ इसी मॉडल में ही आता स्ट्रेटनर है। की मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, एडिशनल कि इसमें ना इस तरह का ये हीट प्रोटेक्टर दिए गए हैं, तो क्योंकि यहाँ से जो है ना वो प्लेट गर्म हो जाती है, यहाँ पे आप थंब रख के आराम से हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। अच्छा, नॉर्मली हेयर स्ट्रेटनर में ना ये चीज़, ये जो चिमटा है ना ये खुला रहता है तो आपको जब ट्रैवल करना है इसको लेकर तो ये आपको खोल के रखना पड़ता है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये लॉक हो जाता है यहाँ से, ठीक है, ऐसे ये यहाँ से बटन को प्रेस करके और बस यहाँ से ये इस तरह से खुल जाएगा, तो आराम से आप ऐसे करके अपने ट्रैवल बैग में रख सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी अच्छी बात है, लेकिन हेयर स्ट्रेटनर लेने से पहले ये देखना चाहिए कि आप किस तरह के बालों पे उसको यूज़ करने वाले हो। तो मैं जैसे अपने बालों पे यूज़ करने वाली हूँ तो मैंने अपने हेयर्स के हिसाब से लिया कि मुझे टाइटेनियम प्लेट्स बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बालों के लिए इसको इसीलिए चुना क्योंकि मेरे को इसी की रिक्वायरमेंट है, मुझे हेयर शाइन भी चाहिए और मुझे हेयर में प्रोटेक्शन भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मुझे अपने बाल जलाने भी नहीं है। तो इसलिए अगर आपका भी हेयर टेक्सचर मेरी तरह है तो आपको भी टाइटेनियम प्लेट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें मैं आगे बताऊँगी, सबसे पहले इसका डेमो देख लेते हैं। अभी डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगी कि आपको कौन सी प्लेट लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। पहले हम अपने बालों पे करके देखते हैं। वैसे जो मेरा नेचुरल हेयर टेक्सचर है ना वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, मतलब आप बोल सकते हो कि 80% स्ट्रेट है और थोड़ा सा मेरा 20% मेरा ऐसा हल्का सा वेवी हो जाता है। अभी तो क्या है ना मैंने गुत बनाई हुई थी तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा वेवी लुक आ रहा है, ठीक है। तो चलो हम करके देखते हैं कि कैसा रिजल्ट मिलता है, और उसके साथ साथ मैं इसका वियर टेस्ट भी करूँगी कि कितनी देर तक मेरे बाल रहते हैं उसी कंडीशन में जिसमें मैं करने वाली हूँ। तो गाइज़ मैंने इसको प्लग इन कर दिया है और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन है, तो यहाँ पर प्रेस करोगे ना तो ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो बड़ी जल्दी हीट हो जाती है, वैसे टाइम नहीं लेती है, विद इन 10 सेकेंड हो जाएगी आपकी। तो मैंने बालों को सेक्शन में कर लिया है, ठीक है,
तो मैंने हेयर सीरम लगा लिया है। मैं सच्ची बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ कि मैं ना हीट प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करती, क्योंकि देखो यार केमिकल तो केमिकल ही होता है। मैंने देखा है, मैंने जनरली देखा है कि उससे बाल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैंने हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना छोड़ दिया है। तो मैं क्या करती हूँ, हेयर सीरम यूज़ कर लेती हूँ, जैसे लॉरियल वाला जो आता है ना, येलो वाला बॉटल, क्या नाम है उसका, तो वो वाला यूज़ करती हूँ मैं। वो मुझे बहुत सही लगता है, बहुत सही लगता है। टेम्परेचर की बात करूँ तो इसमें टेम्परेचर है मैक्सिमम 230 डिग्री सेल्सियस है, और मैंने अभी 150 पे रखा है, तो आई थिंक 150 मेरे लिए सफिशियंट हो जाएगा। अगर आपके बाल थोड़े ज़्यादा थिक हैं तो आप इसको और बढ़ा सकते हो, 230 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने 150 से इसको आगे बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे पोकर स्ट्रेट हेयर बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, तो इसलिए मैं पोकर स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं करती, बस इतना रखती हूँ कि नेचुरल हेयर स्ट्रेट लगना चाहिए, तो इतने ही सेक्शन ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया ना अगर पतले पतले सेक्शन लूँगी ना तो पोकर स्ट्रेट वाली लुक आ जाएगी, वो नहीं चाहिए अपने को। देखो यार, हीट तो हीट ही होती है ना, आप चाहे कोई सी भी प्लेट लगा लो, हीट तो बालों पे लगती है, सच्चाई तो यही है। वो तो बस कंपनी वाले कह देते हैं सिरेमिक प्लेट और ये प्लेट, यार देखो हीट तो लग ही रही है ना बालों में, चाहे आप टाइटेनियम प्लेट्स लगा लो चाहे आप सिरेमिक प्लेट्स लगा लो, हीट तो पूरी जा रही है बालों में। हाँ बस ये है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बट बाल गर्म तो हो ही रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है जी। तो ये मेरा 150 पे आप देख लो ऐसा आ रहा है, और मेरे लिए बस मुझे ऐसा ही चाहिए होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास सीरम नहीं है ना तो आप एलोवेरा जेल भी लगा लो, वो भी सही है, जितना हो सके यार केमिकल से बचो। मेरा मतलब कहने का मतलब बस यही है कि केमिकल से बचो, और बहुत ज़्यादा खींच खींच के स्ट्रेटनिंग मत करो, वरना क्या है कि आपके क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, टूट जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बाल बीच में से टूटने लगते हैं, इसलिए ठीक है ना, जो आप सैलून जाओगे ना तो वहाँ पे क्या खींच खींच के करते हैं, तो इसलिए एक हेयर स्ट्रेटनर ले लो, खुद ही कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है सैलून से करवाने से अच्छा, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने खुद सैलून चलाती थी इसलिए मुझे पता है कि खींच खींच के करते हैं, क्योंकि आदत हो जाती है वैसे ही, तो इसलिए अपना खुद से हेयर स्ट्रेटनर ले लो अच्छा सा, और आप खुद से ही हेयर स्ट्रेटनिंग कर लो, तो अपने हिसाब से अपने हाथ में कंट्रोल होगा कि आपको कैसे करनी है ना। मैं आपको कोई फैंसी टिप नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपको वैसे ही टिप्स दे रही हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। मैं कोई आपको फैंसी वाली टिप्स नहीं दूंगी कि हाँ जी मैंने हीट प्रोटेक्टर लगाया, हाँ जी मैंने ये लगाया वो लगाया। हीट प्रोटेक्टर सेफ होता है, मैं मानती हूँ सेफ होता है, बट कहीं ना कहीं उससे भी बाल डैमेज होते हैं। आप ये मत सोचो कि बाल डैमेज नहीं होते उससे, होते हैं बाल डैमेज उससे, है तो वो केमिकल ही ना। मेरे बाल खुद मैंने डैमेज किए हैं उससे, इसलिए मुझे पता है। हीट प्रोटेक्टर देखो काम ये करता है कि हीट जो है डायरेक्टली आपके बालों पे ना लगे, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ लगा लेनी चाहिए जिससे हीट हमारे बालों पे डायरेक्टली ना लगे, तो वो आप सीरम भी लगा लोगे, एक लेयर सीरम की भी अपने बालों पे कोट कर लोगे ना, तब भी हीट डायरेक्ट आपके बालों पे नहीं जाएगी और शाइन भी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ये यहाँ से फ्रंट में ना मैं इस तरह से आगे की तरफ करके कर लेती हूँ, ये वाला जो क्राउन एरिया है ना, मेरा क्राउन एरिया मैंने इस तरह से निकाला, और आगे की तरफ करके इसको स्ट्रेट करोगे ना तो पता है क्या है, इससे बाउंस आ जाएगा, थोड़ा फ्लैट से नहीं लगेंगे बाल। और देखो कितना इजी हो रहा है मुझे ये गार्ड लगाने से, अभी पता है एकदम से आपको पोकर स्ट्रेट नहीं नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने 150 डिग्री ही टेम्परेचर रखा है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर है बस वही रखा है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा लूँगी तो बिल्कुल पोकर स्ट्रेट आ जाएगा। अब मैं यहाँ से आप चाहो तो इसको आउटवर्ड्स भी कर सकते हो या इनवर्ड्स भी कर सकते हो, मैंने आउटवर्ड्स कर लिया, ठीक है।
फिर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने रूट से हेयर्स को स्ट्रेट नहीं किया, क्योंकि मेरे बाल ना इतने ज़्यादा मतलब कर्ली में या वेवी में नहीं है कि मैं रूट से इसलिए ज़्यादा इसको टच नहीं करती हूँ, रूट के पास नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट मैं नहीं डालना चाहती अपने बालों पे ना, तो इसलिए मैं इसको यहीं से करती हूँ जहाँ से मुझे ज़रूरत है। तो आप भी उतना ही करो जितने आपके बालों को ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि मतलब औरों को देखा देखी आपने रूट से शुरू कर दिया या फिर आपने आधे से शुरू कर दिया, मुझे देख के भी मत करो, आप वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से आपके बालों को रिक्वायरमेंट है स्ट्रेटनिंग की, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अपने बालों को पहले एनालाइज करो, उसके बाद उस हिसाब से आपको स्ट्रेट करना है और उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटनर चुनना है। तो दोस्तों दिस इज द फाइनल रिजल्ट, कैसा लग रहा है आपको? अभी आप प्रॉपर अगर हीट दोगे अपने बालों को, जैसे आप जैसे मैंने इसमें 150 पे करा था, आप इस पे 190 पे अगर करोगे तो और ज़्यादा स्लीक आपके बाल हो जाएंगे। अगर आप 190 डिग्री पे रखते हो, 210 डिग्री पे रखते हो तो और ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती कि आप 210 तक जाओ, 190 तक आप जा सकते हो। अगर आपके बाल थोड़े वेवी हैं तो आप 190 तक जा सकते हो, या थोड़े और ज़्यादा कर्ली हैं आपके बाल तो आप 210 पे जा सकते हो, ठीक है। या फिर आपके बालों का जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा टाइट है ना, तो आप हाई पे कर सकते हो, लेकिन फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप टाइटेनियम वाली प्लेट्स लेना, फिर आप ये वाली मत लेना, ठीक है ना। और देख सकते हो आप मेरे बाल बिल्कुल वर्जिन हेयर हैं, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल ट्रीटमेंट मैंने कभी नहीं कराया है। पहले कराया था तो वो बाल सारे चॉप करवा दिए मैंने, अब मेरे बालों में किसी तरह का कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है। शाइन भी आप देख सकते हो, शाइन भी आ गई है ना, और बहुत ज़्यादा फोकस स्ट्रेट भी नहीं हुए एज आई वॉन्ट टू हैव। कितनी देर तक लास्ट करेंगे ऐसा स्ट्रेट, तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम बात करते हैं कि आपको कौन सा वाला प्लेट वाले स्ट्रेटनर लेना चाहिए, टाइटेनियम प्लेट वाला या फिर सेरामिक प्लेट वाला या फिर टर्मोलाइन प्लेट वाला। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सेरामिक प्लेट्स जो होती हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपका जो जैसे ये प्लेट्स हैं, जब ये हीट होती है ना तो इसमें हीट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, पर पैचेस वाइज नहीं होती है, ठीक है। और उससे क्या होता है, बालों का जलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बाल नहीं जलते हैं क्योंकि वो सिरेमिक प्लेट्स हैं, और सिरेमिक प्लेट से बाल उतने ज़्यादा हद तक डैमेज नहीं होते हैं जितना कि आपका एक नॉर्मल सी प्लेट से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सिरेमिक प्लेट्स अच्छी मानी जाती है। आपको शाइन चाहिए और आपने अपने बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज भी नहीं करना। अगर देखो अति हर चीज़ की बुरी होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे करोगे, बहुत जल्दी जल्दी करोगे, डेली बेसिस पे करोगे, फिर स्ट्रेटनिंग करोगे, तो देखो कोई सा भी ले लो, कोई सी भी ब्रांड का ले लो, महंगे से महंगा ले लो, आपके बाल खराब होने ही होने, बैंड बजनी ही बजनी है। तो इसलिए स्ट्रेटनर का बस ये काम होता है, ओकेजनली करो, कभी कभार करो तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा हीट दोगे उतने ज़्यादा बाल डैमेज हो जाएंगे। सेरेमिक प्लेट्स को, ये तो मैंने आपको डोमेस्टिक यूज़ बता दिया, और सेरेमिक प्लेट को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका इसमें जो पर्टिकुलर जो लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है कि आप केमिकल ट्रीटमेंट जैसे करते हैं, रिबॉन्डिंग या कैरेटिन करते हैं, तो उसके लिए इस वाले स्ट्रेटनर का यूज़ किया जाता है सैलॉन्स में। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको अपने घर में यूज़ करने के लिए भी इसको ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलून में ही यूज़ होगा, बस ये केयरफुली करना, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर वगैरह है, जो हीटिंग कैपेबिलिटी है ना इसकी, वो सब उसी हिसाब से है कि कैरेटिन ट्रीटमेंट के बाद जो हेयर स्ट्रेटनर करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, या फिर रिबॉन्डिंग करने के बाद जो हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, मतलब केमिकल ट्रीटमेंट में जो हेयर स्ट्रेटनिंग करी जाती है उसके लिए यूज़ होता है। तो ये तो हुई सेरेमिक प्लेट की बात। थर्ड पॉइंट आता है कि सेरेमिक प्लेट्स किस तरह के बालों पे यूज़ करना चाहिए। आपके बालों का जो हेयर टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा वेवी नहीं है और नॉर्मल सा है, जस्ट लाइक मी, या फिर मेरे से थोड़ा सा और लेवल का है आपका, कि मतलब वेवी है, थोड़ा सा कर्ली है, तो डेफिनेटली आप सेरेमिक प्लेट्स की तरफ ही जाना, आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है टाइटेनियम प्लेट्स की तरफ, ठीक है। अब मैं टाइटेनियम प्लेट्स के लिए मना क्यों कर रही हूँ? टाइटेनियम प्लेट्स आपको उन लोगों को यूज़ करनी चाहिए, देखो पसीना आ रहा है ना, तो ये उतने ज़्यादा मेरी स्ट्रेटनिंग है ना वो और ज्यादा मतलब खराब होती जाएगी, क्योंकि बालों में थोड़ा सा भी मॉइस्चर आएगा ना तो उतनी कम ही देर आपकी स्ट्रेटनिंग टिकती है। तो इसलिए पसीने से बचे जब आप स्ट्रेटनिंग कराएं तो जितना और ज्यादा लास्ट करेगी, ठीक है ना। तो अभी मुझे बात करनी पड़ रही है तो मुझे फैन वगैरह एसी वगैरह ऑफ करना पड़ रहा है। तो बात करते हैं कि टाइटेनियम प्लेट्स के लिए मैं मना क्यों कर रही हूँ आपको। टाइटेनियम प्लेट्स उन लोगों के लिए होती है जिनका हेयर टेक्सचर जो होता है वो बहुत ज्यादा थिक हेयर होते हैं, बहुत ज्यादा वेवी, बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं, टाइट हेयर होते हैं। देखा है ना आपने, किसी किसी के बाल जो होते हैं इतने मोटे होते हैं और इतने ज्यादा
टाइट और कर्ली होते हैं कि वो इस तरह के हेयर स्ट्रेटनर उसमें काम नहीं करता, तो उसमें टाइटेनियम हेयर स्ट्रेटनर ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो एक तो बहुत जल्दी हीट हो जाता है, जल्दी तो हीट ये भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है कि हीटिंग कैपेबिलिटी जो होती है ना उसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इस वाले से बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए क्योंकि वो थिकर हेयर के लिए और स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए या बहुत ज़्यादा कर्ली वेवी हेयर के लिए बना है, तो उसका जो पर्पज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट हेयर टेक्सचर पर है और इसका जो पर्पज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट हेयर टेक्सचर पर है। तो दोनों ही तरह की जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग हेयर टेक्सचर के हिसाब से ही चूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे देखा कि जी सबने टाइटेनियम प्लेट्स ले रखी है तो आपने भी टाइटेनियम प्लेट्स रखी है, आप अपने बालों का बैंड बजा लोगे, ख़राब कर लोगे अपने बाल अगर आप दूसरों का देख के करोगे। तो आपको करना है, आपको सबसे पहले अपने बालों को एनालाइज़ करना है कि मेरे बाल कैसे हैं, मुझे अपने बालों पर करना है या फिर मुझे सैलून पर्पज़ से करना है। सलोन पर्पज से करना है तो आप टाइटेनियम प्लेट्स रखो अपने पास, ठीक है। और अगर अपने बालों पे ही कर रहे हैं, क्योंकि सलोन में आपका हर तरह का बंदा आएगा, हर तरह के बंदे पे आप टाइटेनियम प्लेट्स नहीं यूज कर सकते, तो आपको टाइटेनियम प्लेट्स के साथ साथ एक आपको सेरेमिक प्लेट्स भी रखनी पड़ेंगी अगर आप अपने क्लाइंट के बाल डैमेज नहीं करना चाहते तो, ठीक है ना। तो दो तरह के आपको स्ट्रेटनर रखने पड़ेंगे। मैं ये जो भी बोल रही हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और अगर आप खुद के बालों के लिए लेना चाहते हो तो आपको अपने ही बालों का टेक्सचर देखना है कि हाँ आपके बालों को कितनी हद तक की हीट की ज़रूरत है, तो आपको सेरेमिक प्लेट की तरफ ही जाना है अगर आपके नॉर्मल हेयर हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा थिक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, टाइट हेयर हैं, तो आप टाइटेनियम प्लेट्स की तरफ जाना। अब इसके बीच का भी एक वेरियंट होता है, वो होता है टर्मोलाइन प्लेट्स। टर्मोलाइन प्लेट्स होती हैं कि सेरेमिक प्लेट और टाइटेनियम प्लेट्स के बीच का वेरियंट में आती है टर्मोलाइन प्लेट्स। उसमें सेरेमिक कोटिंग भी होती है, उसमें नैनो टर्मोलाइन टेक्नोलॉजी भी होती है। तो दोनों तरह के, तो दोनों के बीच की अगर चीज़ बोले तो वो है टर्मोलाइन प्लेट्स, ठीक है। तो जो कि मेरे पास है ये टर्मोलाइन प्लेट्स, इसमें लगी हैं। ये क्या करती है, ये दोनों के बेनिफिट्स दे देती है आपको, थोड़ा उसका थोड़ा उसका। इसमें टाइटेनियम की शाइन भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइटेनियम ही शाइन देता है, सेरेमिक शाइन नहीं देता है, दोनों शाइन देता है। सेरेमिक में भी अच्छी शाइन आती है और टाइटेनियम में भी अच्छी शाइन आती है, लेकिन दोनों अलग अलग हेयर टेक्सचर के लिए बनी है, ठीक है। तो ये उसके बीच का वेरियंट है, इसलिए मैंने ये लिया है, क्योंकि मुझे अपने बालों के हिसाब से चाहिए था इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है, ठीक है। टर्मोलाइन प्लेट्स में क्या होता है कि इसमें इक्वली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो कि आपका टाइटेनियम प्लेट्स में नहीं होती। टाइटेनियम प्लेट्स में ना एक नुकसान ये होता है कि उसमें हीट जो होती है प्लेट के ऊपर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, उससे हॉटस्पॉट बनने के चांसेस होते हैं, मतलब कहीं कहीं पर गर्म होगी, कहीं कहीं पर नहीं होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी जैसे कि सेरेमिक में और टर्मोलाइन में होती है, जो कि टाइटेनियम में नहीं होता है। तो अगर हॉटस्पॉट बन जाएंगे तो वो आपके बालों को कहीं ना कहीं जला सकते हैं, कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं आपके बालों पे बहुत ज़्यादा हीट चली जाएगी, कहीं कहीं कम जाएगी, तो ये प्रॉब्लम है टाइटेनियम प्लेट्स में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर के लिए बना है टाइटेनियम प्लेट्स, ठीक है। तो आप ये नहीं कि दूसरों को देख के मत लो टाइटेनियम प्लेट्स, ठीक है। और रेट में देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि यार इस वाली प्लेट में, मतलब टर्मोलाइन प्लेट में और टाइटेनियम प्लेट में ना रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम क्यों ना वही वाली ले लें। ये गलती मत करना। वो मैंने बताया ना, उसका यूज़ जो है वो अलग हेयर के लिए है, इसका यूज़ अलग हेयर के लिए है। तो जो आपके बालों के रिक्वायरमेंट है आपको वही वाले स्ट्रेटनर लेना है। रेट का डिफरेंस मत देखो, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो, ठीक है, अपने बालों को अगर डैमेज नहीं करना है तो। तो इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है ना, वो पड़ा है मुझे 4200, और जो टाइटेनियम प्लेट्स का है उसका है 5200, ठीक है। तो बस यही प्राइस डिफरेंस है इसका। और बाकी इससे कम रेंज के भी आते हैं, अगर आपका बजट कम है तो इससे कम रेंज के भी आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। बस उसमें प्लेट्स एक बार देख लेना कि किस तरह की प्लेट्स उसमें दी गई हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी ये वाला जो स्ट्रेटनर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और देखते कितनी देर तक लास्ट करता है आप। और अगले दिन भी मैं इसका दिखाऊँगी कि अगले दिन कितनी देर तक मेरे बाल स्ट्रेट रहे हैं, ठीक है ना। पहले मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ, क्योंकि पसीने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ही हो गया। एक बार ऊपर से हल्का हल्का मार लेती हूँ, उसके बाद हम इसका वेयर टेस्ट करते हैं कि ये कितनी देर तक टिका रहेगा, ठीक है। ऊपर से ही बस हल्का हल्का मार लिया, क्योंकि पसीने में क्या वो हो गया एकदम। नॉर्मली हम पंखा बंद करके थोड़ी रहते हैं, ठीक है ना। चलो मिलते हैं कुछ घंटों में। The next morning.
राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये है मॉर्निंग। मॉर्निंग में मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा है। पोनी टेल बना के सोई थी रात को और देख लो अभी भी मेरे बालों में कोई डेंट नहीं पड़ा। अगर आप जैसे हीटिंग ब्रश अगर यूज़ करते हो या ब्लो ड्राई वाला ब्रश यूज़ करते हो ना, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं देते हैं, बट स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देते हैं। इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैंने यही चूज़ किया। मैंने हीटिंग ब्रश या हीटिंग हेयर ड्रायर यूज़ नहीं किया जो कि आजकल चले हुए हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। जब तक बालों में मॉइस्चर नहीं टच होगा तब तक बाल ऐसे ही स्ट्रेट रहते हैं। तो मेरी तरफ से थम्स अप है। So guys, that's all about this video. I'm sure this video is gonna be helpful for you. If you haven't subscribed to my channel, so please do share and subscribe to my channel and share this video as many as possible. So till then, take care. Bye-bye.